हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पीटी 365 कल्चर का पार्ट टू। इसमें हम लोग देखेंगे स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर, उसके आगे वाला जो है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें है कोणार्क सन टेम्पल। तो रिसेंटली मतलब इरेगुलरिटीज़ हमें देखने को मिली कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो रेस्टोरेशन वर्क चल रहा था कोणार्क सन टेम्पल में, और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो डिक्लेयर किया गया था 1984 में। इम्पॉर्टेंट यही है कि कोणार्क सन टेम्पल जो है वो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। दूसरे सन टेम्पल्स कौन कौन से हैं इंडिया में, तो देखिए इसमें देखिए मोधेरा सन टेम्पल जो कि गुजरात में, इसके बारे में 2017 में क्वेश्चन भी आया था। और दक्षिणेश्वर टेम्पल है गया बिहार में, और सन टेम्पल है मरतांद जम्मू एंड कश्मीर में, और है सन टेम्पल के ही नाम से ग्वालियर एमपी में। सूर्य नारायण टेम्पल अरासावली आंध्र प्रदेश में है, और सूर्य नार टेम्पल ये है तमिलनाडु में कुंभकोणम में, और सन टेम्पल इन ओसियान राजस्थान में। तो आप एक बार नज़र में रखिएगा कि सन टेम्पल्स और कहाँ कहाँ पर हैं इंडिया में। अब कोणार्क सन टेम्पल के बारे में बता रहे हैं कि ये बनाया गया था मिडल ऑफ 13th सेंचुरी में, और काफ़ी मतलब मैसिव इंजीनियरिंग वर्क है ये। डेक्सटेरिटी का मतलब होता है मतलब कोई भी अच्छे से जिस चीज़ को बनाया जाए, स्किल बोला जाता है। और ये किंग नरसिम्हदेव वन जो थे वो गंगा डायनेस्टी के रूलर थे, उन्होंने इस टेम्पल को बनाया था। यही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कहाँ पर है सन टेम्पल, कोणार्क में है, किसने बनवाया था, नरसिम्हा वन ने, कौन सी डायनेस्टी के थे, गंगा डायनेस्टी के थे, किसको डेडिकेटेड है, सन गॉड को ये डेडिकेटेड है। इसमें 24 व्हील्स हैं एक चैरियट में, और डायमीटर ये सब तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसका आर्किटेक्चरल स्टाइल जो है वो कड़िंगा आर्किटेक्चर स्टाइल है, फिर उड़ीसा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। कोणार्क सन टेम्पल जो है वो थर्ड आर्म है उड़ीसा का, जो गोल्डन ट्रायंगल है, ये वाली चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है कि उड़ीसा का गोल्डन ट्रायंगल जो है उसमें कौन कौन से टेम्पल आते हैं। एक तो कोणार्क सन टेम्पल आता है, एक जगन्नाथ पुरी का टेम्पल आता है, और एक आता है लिंगराज टेम्पल ऑफ भुवनेश्वर। तो जो उड़ीसा का गोल्डन ट्रायंगल है उसमें कोणार्क सन टेम्पल ये हो गया हमारा, और जगन्नाथ पुरी जो है और लिंगराज टेम्पल ऑफ भुवनेश्वर, ये तीनों टेम्पल्स आते हैं। और जब यूरोपियन सोल्जर्स जो इंडिया में आया करते थे, ये जो है कोणार्क सन टेम्पल एक नेविगेशन का काम किया करता था। इसको ब्लैक पगोड़ा बोला जाता था बिकॉज ऑफ इट्स मतलब डार्क कलर, ये दूर से ही जो है वो दिख जाता था, और इसकी जो है मैग्नेटिक पावर जो है इसमें वो शिप को अपनी तरफ जो है वो ड्रॉ भी करता है। इसको नेविगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल किया जाता था, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और इसको ब्लैक पगोड़ा भी बोला जाता था। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है मतलब नेक्स्ट है खजुराहो टेम्पल। रिसेंटली जो है खजुराहो डांस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के द्वारा खजुराहो टेम्पल में। अब ये खजुराहो टेम्पल जो है ग्रुप ऑफ जैन और हिंदू टेम्पल्स का एक कॉम्प्लेक्स है। इसमें जैन टेम्पल्स भी हैं और हिंदू टेम्पल्स भी हैं। एमपी में ये पड़ता है और वन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये है। तो देखिए ये हमारा कोणार्क सन टेम्पल, ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और खजुराहो टेम्पल ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में की लिस्ट में आता है। अब इसको बनाया गया था चंदेला डायनेस्टी के द्वारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किसने बनाया है, ये एग्ज़ाम में मतलब ऑप्शन में आ जाता है कि किसने बनाया है, कौन सी डायनेस्टी के टाइम में बनाया गया है। तो ये जो खजुराहो वाला है ये चंदेला डायनेस्टी के टाइम पे बनाया गया है, और कौन सा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा इरोटिक स्कल्पचर्स भी हैं। तो वो सिर्फ जो है वो 10% ही है, वैसे काफ़ी ज़्यादा इसमें फेमस इसलिए है कि काफ़ी ज़्यादा इरोटिक इसमें स्कल्पचर्स वगैरह बनाए हुए हैं, बट वो काफ़ी सिर्फ 10% ही है टोटल का। फिर उसमें ये बताया गया है कि जो ह्यूमन का एक्सपीरियंस है, जब वो लाइफ के सारे एक्सपीरियंस कर लेता है तभी वही उस काउंट करते हैं, मतलब आगे जाके वही स्पिरिचुअल परसुइट में वो आगे मतलब बढ़ सकता है, ये सब इसमें शो किया जाता है। अब इसमें वो है कि सैंडस्टोन से बना हुआ है, और इनर श्राइन है, और इसमें असेंबली हॉल है या फिर मंडप है, मंडप वाला जो आर्किटेक्चर होता है नगरा स्टाइल में मंडप बनते हैं, और इसमें ये सरकम एम्बुलेटरी पैसेज है, गोल गोल घूम करके इसको प्रदक्षिणा पथ वाला जो एरिया होता है गोल घूम करके जाते हैं, और सारे टार्स या फिर शिखर जो हैं वो ऊँचे मतलब उठे हुए हैं पिरामिडिकल फैशन में हैं। ये मतलब जितने भी नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर की जो चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी इसमें हमें देखने के लिए मिलती हैं। और जो खजुराहो है वो क्लस्टर ऑफ 5 श्राइन है। इसमें क्या है, एक मेन टेम्पल है और साइड साइड में जो है कॉर्नर में इसके चार जो है चार
टेम्पल और हैं, इसको हम पंचायतन स्टाइल बोलते हैं। शायद 2015 या फिर 16 में ये क्वेश्चन आया हुआ यूपीएससी में कि पंचायतन स्टाइल मतलब क्या होता है। तो इसमें पांच श्राइन होती हैं, जिसमें एक मिडिल में जो है मेन श्राइन होती है, और जो साइड साइड में चार, और एक साइड में दो, एक साइड में दो, और चार सराउंडिंग में इसकी जो है श्राइन होती है। यही पंचायत स्टाइल है। अब इसी में जो है कांदरिया, खजुराहो में ही हमारे कांदरिया महादेव टेम्पल जो है वो आता है, जो कि सबसे बड़ा है। और इसमें और भी हैं, देवी जगदम्बा टेम्पल, चित्रगुप्त टेम्पल, ये सारे हैं इसमें, लक्ष्मणा और चतुर्भुजा टेम्पल जो विष्णु को डेडिकेटेड है, वराह टेम्पल, 64 योगिनी, ओनली टेम्पल जो एंटायरली ग्रेनाइट का बना हुआ है। तो इसमें इम्पोर्टेंट देखिए सबसे ये है कि कांदरिया महादेव टेम्पल जो है वो खजुराहो ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स के एक टेम्पल में, मतलब एक टेम्पल है, खजुराहो में काफ़ी सारे टेम्पल हैं, उनमें से एक कांदरिया महादेव भी है और ये सबसे बड़ा है। और साउथ ईस्ट में जो है खजुराहो के साउथ ईस्ट वाला जो पार्ट है वो जैन टेम्पल्स के लिए फेमस है। पार्श्वनाथ टेम्पल इज़ वन ऑफ द इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, जहाँ पे कंताई टेम्पल इज़ नेम्ड बिकॉज ऑफ द बेल एंड द चेन ऑर्नामेंट्स एट इट्स पिलर। घंटाई टेम्पल, तो घंटी मतलब इसलिए क्योंकि बेल और चेन वहाँ पर बने हुए हैं, वन ऑफ द ऑर्नामेंट्स, वन ऑफ द गहने जो हैं पिलर्स के इस तरीके से बनाए हुए हैं, तो घंटाई टेम्पल कहते हैं। तो देखिए खजुराहो में कौन कौन से हैं, हिंदू के टेम्पल भी हैं और जैन भी हैं। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट है कांदरिया महादेव टेम्पल है, सबसे बड़ा है, और इसको बनवाया था चंदेला डायनेस्टी ने, और नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इसमें हम लोग को देखने के लिए मिलता है। अब इसमें थर्ड आता है सांची के स्तूप। रिसेंटली क्या हुआ, यूनियन कैबिनेट ने साइन किया है MOU वियतनाम के साथ, एक जॉइंट पोस्टल स्टैम्प इन्होंने निकाली है, जिसमें डिपिक्ट किया गया है सांची स्तूप और फोमिन पगोड़ा को, जो कि वियतनाम में है। फोमिन पगोड़ा कहाँ पे है, वियतनाम में है। सांची का स्तूप जो है वो किसने बनवाया था, आता है कि 3rd सेंचुरी BC BCE में एम्परर अशोक जो थे उन्होंने इसको बनवाया था। और बिलीव किया जाता है कि जो सुनंगा एम्परर थे पुष्यमित्र सुंग, इसको वेंडलाइज कर दिया गया था, ख़राब कर दिया गया था पुष्यमित्र सुंग ने। फिर उसके बाद अग्निमित्र जो सुंग था पुष्यमित्र का बेटा, उन्होंने इसको मतलब फिर से ठीक करवाया था। सद्वाहना पीरियड के टाइम में इसमें गेटवेज ऐड हुए थे और काफ़ी ज़्यादा हाईली डेकोरेटेड थे। इसके गेटवेज पे जो है वो नरेटिव स्ट्रक्चर है, मतलब काफ़ी कुछ जातक का स्टोरीज़ वगैरह लिखी हुई हैं, और लॉर्ड बुद्धा की फिगर उसमें कार्व की गई हैं, और मतलब बोधी ट्री को दिखाया गया है, पॉइंट ऑफ एनलाइटमेंट है, और इवेंट्स ऑफ लाइफ ऑफ बुद्धा जो है इन सब में कार्व की गई हैं। किसने और आगे बढ़ाया था, देखिए सुंगा ने डायनेस्टी के जो पुष्यमित्र सुंग हैं माना जाता है उन्होंने सांची के स्तूप को ख़राब कर दिया था, तोड़वा दिया होगा, वेंडलाइज कर दिया था। फिर उनके बेटे ने इसको, अग्निमित्र सुंग जो था उसने उसको ठीक करवाया था। फिर सातवाहना पीरियड में गेटवेज इसमें ऐड हुए थे, और काफ़ी उसमें मतलब कार्विंग है जिसमें लाइफ इवेंट्स ऑफ बुद्धा डिस्क्राइब किया गया है। इसमें देखिए मेन पार्ट्स क्या क्या होते हैं, अंडा, हर्मिका, यहाँ से देख लेते हैं। ये देखिए ये एक स्तूप है। अब इसमें तो गोल गोल वाला, ये वाला जो पार्ट है देखिए, जो गोल गोल है ओवल शेप का, ये तो अंडा बोलते हैं। इसके ऊपर ये जो रेक्टेंगुलर शेप का है इसको हर्मिका बोलते हैं, और छाते जैसा जो स्ट्रक्चर है इसको छतरा बोलते हैं। फिर इसके साइड में जो गोल गोल सी हैं इसको यष्टि बोलते हैं। फिर अपर वॉकवे जो है जिसमें चल करके जाते हैं ऊपर, उसको अपर वॉकवे बोलते हैं। और फिर आगे जहाँ से एंटर होता है उसको तोरण बोलते हैं। अब देखिए ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 1989 में इसको ऐड किया गया था। अब फोमिन पगोड़ा, ये तो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसको जानना कि इसमें क्या क्या होता है, मगर देख लीजिए ये सिर्फ स्ट्रेट सा स्ट्रक्चर होता है फोमिन पगोड़ा। फोमिन पगोड़ा कहाँ पे है, वियतनाम में है। अब इसको बनाया गया था लाई डायनेस्टी, और माना जाता है कि 1262 के टाइम में इसको बनाया गया था, और हाई रैंकिंग मैंडरिन्स हैं, मतलब इसमें रिलीजियस वर्शिप और रिलीजियस लाइफ थी उसको डिपिक्ट करता है ये। मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कहाँ पर है, बस यही जानना ज़रूरी है हमारे लिए। अब डिफरेंस बिटवीन पगोड़ा स्तूप क्या होता है, स्तूप जो है वो जो टर्म है यूज़ किया जाता है बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के लिए, आर्किटेक्चर स्टाइल जो है इंडिया में और साउथ ईस्ट एशिया में, और पगोड़ा जो है टेम्पल या फिर सेक्रेट बिल्डिंग को बोला जाता है ईस्ट एशिया में, जिसको एंटर किया जाता है, और ये कई बार सेक्युलर भी हो सकते हैं, मतलब बिना किसी धर्म को रिप्रेजेंट किए भी बनाए जा सकते हैं। अब स्तूप जो है वो हेमी स्फेरिकल डोम शेप का होता है जैसे हमने देखा, और इसमें जनरली क्या होता है रिलिक्स
जो रखी जाती हैं बुद्ध के, कहते हैं जो अवशेष हैं वो रखे जाते हैं इसके, बुद्ध के या फिर जो बोधिसत्वाज हैं उनके हम लोग को रिलिक्स मिलते हैं। मगर जो है पगोड़ाज में क्या होता है, डिस्क टाइप की होती हैं, गोल गोल, जैसे कि हम लोग ने इसमें देखा ना, ये देखिए कितनी सारी, ये इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है हमारा। और फिर इसमें है वही कि अनलाइक टिपिकल स्तूप, पगोड़ा एक्चुअली हैज इंटीरियर स्पेस समटाइम्स ऑन सेवरल लेवल्स, वो लेवल्स हम लोगों ने देख लिए। पगोड़ाज कहाँ कहाँ मिलते हैं, नेपाल, चाइना, जापान, कोरिया, यहाँ पर हमें मिलते हैं, वियतनाम, म्यांमार, श्रीलंका में। अब बादशाही अशूर खाना जो है, तेलंगाना गवर्नमेंट ने और आगा खान ट्रस्ट ने साथ में वर्क कर रहे हैं और रिस्टोर करने के लिए बादशाही अखनूर खाना मॉन्यूमेंट को। अब ये क्या है, शिया मुस्लिम के लिए मॉर्निंग प्लेस है, मॉर्निंग प्लेस मतलब ये लोग वो कहते हैं ना मुहर्रम के टाइम में मौन करते हैं कि दुख मनाते हैं, उसके लिए मॉर्निंग प्लेस ये बनाया गया है चार मीनार के पास हैदराबाद में। और मेमोरी में जो मार्टियरडम हुआ था इमाम हुसैन का बैटल ऑफ करबला में, इसको फेस्टिवल जो है मुहर्रम उसको मनाने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। और ये जो बनाया गया था वो मोहम्मद कुली कुतुब शाह 1611 में, 3 ईयर्स आफ्टर बिल्डिंग चार मीनार, चार मीनार के बाद जो है इसको बनाया गया था, इसको रिस्टोर करने का काम कर रहे हैं बादशाही अखनूर खाना को, ये जो है तेलंगाना और गवर्नमेंट और आगा खान ट्रस्ट। अब हमें से बताया गया है कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह के बारे में, ये फिफ्थ सुल्तान थे कुतुबशाही डायनेस्टी के, गोलकोंडा की जो थी, और थ्रोन पे आए थे ये 1580 में, और इन्होंने ही सिटी ऑफ हैदराबाद फाउंड की थी, और आर्किटेक्चरल मास्टरपीस जिसे कहा जाता है चार मीनार को, वो भी इन्होंने ही बनवाया था। और किसके कंटेम्प्रेरी थे, कई बार ये पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह के टाइम पे कौन कौन और लोग थे, तुलसीदास, मीराबाई, सूरदास, सब इनके कंटेम्प्रेरी थे, एक ही टाइम पर ये लोग हुआ करते थे। और इनकी पोएट्री जो है वो मतलब पोएट्री थी जो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक होती थी और बाउंड टू अर्थ होती थी। और ड्यूरिंग इनकी रेन में ये भी पूछा जाता है कि कौन कौन से ट्रेवलर किसके रेन में आए, तो ये जीन पेप्टाइड ट्रेवनियर इनकी रेन में आए थे, कुतुबशाही डायनेस्टी का जो टाइम था मोहम्मद कुली कुतुब शाह के टाइम पे ये आए थे। ये हो गया इसमें। और फिर बैटल ऑफ करबला के बारे में बताया गया है कि कब हुई थी, 680 AD में हुई थी अशूर, और 10th डे ऑफ मुहर्रम में। और इसमें क्या हुआ कि ब्रीफ जो मिलिट्री एंगेजमेंट हुई थी, और इसमें जो है क्या हुआ था, ग्रैंड सन ऑफ प्रॉफिट जो थे उनकी डिफ़ीट हो गई थी, और मैसाकर हुआ था आर्मी का, और उसी के दुख को मनाने के लिए जो है मुहर्रम मतलब मनाया जाता है। और जो शिया मुस्लिम है वो एनुअल इसको होली डे के रूप में मनाते हैं, पब्लिक मॉर्निंग इसमें की जाती है। अब इंडियाज़ नेशनल वॉर मेमोरियल, नेशनल वॉर मेमोरियल के बारे में कि इंडिया का जो नेशनल वॉर मेमोरियल है 1960 में सबसे पहले प्रपोज किया गया था, इसको इनॉग्रेट किया इंडिया गेट कॉम्प्लेक्स में। मेमोरियल जो है 40 एकड़ में स्प्रेड है, और ऑनर करने के लिए इसको बनाया गया है जो सोल्जर्स ने अपनी लाइफ जो मतलब दी है, कुर्बान की है देश के लिए, शहीद हुए हैं वो पोस्ट इंडिपेंडेंस, अपनी इंडिपेंडेंस के बाद, उनको याद करने के लिए इसको जो है बनाया जा रहा है, बनाया गया है, और ये कोमेमोरेट करेगा सेक्रीफाइस जो है, और मतलब जो सोल्जर्स भेजे जाते हैं यूएन की पीस कीपिंग फोर्स में या ह्यूमैनिटेरियन एड में, जिनकी डेथ मतलब जो शहीद हो जाते हैं उनको भी कोमेमोरेट करने के लिए इसमें जो है इनके बारे में बताया जाएगा। और मेमोरियल जो है 4 कंसेंट्रिक सर्कल्स में है, ये इतना इम्पोर्टेंट है ये वाली चीज़ तो। हाँ, अब इसमें अमन चक्र और सर्किल ऑफ इमोर्टैलिटी इसको बोला गया है, और एटर्नल फ्लेम इसमें जलती रहेगी। फिर है वीर चक्र और सर्किल ऑफ ब्रेवरी, मतलब इसमें चक्र जो है ये अमर चक्र बोला गया है, एक को वीर चक्र और एक को त्याग चक्र, ये कितनी इसकी क्या डायमीटर है, क्या क्या इसमें लगा हुआ है, ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और रक्षा चक्र, इसमें जो है 600 ट्रीज़ लगाए जाएंगे, हाँ ये कह सकते हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि 600 ट्रीज़ लगाए जाएंगे, सिंबलाइज करेंगे सोल्जर्स को जिन्होंने इंश्योर किया है हमारे देश को बचाने के लिए अपना मतलब शहीद हो गए हैं वो, यही है इसमें। अब नेक्स्ट है मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया है 6 मॉन्यूमेंट्स को एज अ मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस 2018 में। तो अंडर सेक्शन 4 जो है एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 का, उसमें जो है हिस्टोरिकल, आर्कियोलॉजिकल, आर्टिस्टिक इंटरेस्ट, जिसमें मतलब होता है ऐसी जो साइट्स हैं एग्जिस्टेंस में है नॉट मोर देन 100 ईयर्स, उनको डिक्लेयर किया जा, मतलब 100 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं है उनको मतलब डिक्लेयर किया जा सकता है
एज अ मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। प्रोटेक्शन जो है मैंने इनकी की जाएगी, मेंटेनेंस इनका किया जाएगा ESI के द्वारा। अब 6 मॉन्यूमेंट्स जो हैं, सॉरी 50 साल से ज़्यादा पुरानी है ये होगा इसमें, तो 6 मॉन्यूमेंट जो हैं वो ये हैं। 125 ईयर ओल्ड है ओल्ड हाई कोर्ट बिल्डिंग नागपुर की, महाराष्ट्र की। 2 मुगल एरा मॉन्यूमेंट्स हैं, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, 6 ही है ना, तो पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से हैं मॉन्यूमेंट जिनको 2018 में मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस कहा गया है। तो 125 ईयर ओल्ड जो है वो ओल्ड हाई कोर्ट बिल्डिंग है नागपुर महाराष्ट्र में है। 2 मुगल एरा के मॉन्यूमेंट्स हैं आगरा में, कौन कौन से हैं, हाथी खाना और हवेली ऑफ आगा खान। और ये नीम राणा बाहुरी है अलवर राजस्थान में। और ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं बोलांगीर उड़ीसा में, और विष्णु टेम्पल है पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। ये याद कर लीजिएगा, ये पूछे जा सकते हैं क्योंकि सिर्फ 6 ही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में बताया है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में आता है, प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है रिसर्च करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया को, और मेंटेनेंस किया जाता है आर्कियोलॉजिकल साइट्स का इसके द्वारा। और ये रेगुलेट करता है आर्कियोलॉजिकल एक्टिविटी कंट्री में, जो किसके किसके अंडर करता है, ये एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स रिमेन्स एक्ट 1958 के अंडर ये चीज़ों को, आर्कियोलॉजिकल साइट्स को जो है वो रेगुलेट करता है। और ये इट ऑल्सो रेगुलेट एंटीक्स एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972 का जो है, फाउंड किया गया था इसको बहुत पहले 1861 में, अलेक्जेंडर कनिंगम जो थे उन्होंने इसको किया था फाउंड, और वो इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल भी थे। ये भी इंपॉर्टेंट है कि किसने फाउंड किया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, तो अलेक्जेंडर कनिंगम ने किया था और वही इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल भी थे। अब नेक्स्ट इसमें है वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर, तो रियो डी जनेरियो पहली पहली वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर जो है वो बन गई है, और तो 2020 के लिए इसको बोला गया है फर्स्ट वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर है ये। और थीम जो थी इसकी क्या हो रहेगी, फिर ओडा सीरीज ऑफ इवेंट अंडर द थीम ऑल द वर्ल्ड जस्ट वन वर्ल्ड, और प्रमोट इंटरनेशनली अग्री 2030 जो एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, और इसमें वही है कि ह्यूमन सेटलमेंट को इंक्लूसिव बनाया जाए, सेफ बनाया जाए, रेजिलियंट और सस्टेनेबल बनाया जाए। रियो जो है वो मिक्स ऑफ मॉडर्न मॉडर्न भी है, कॉलोनियल भी है, कॉलोनियल आर्किटेक्चर भी है, फिर वर्ल्ड रेनाउंड साइट्स लाइक रियो स्टैच्यू ऑफ क्राइस्ट रिडीमर और म्यूजियम ऑफ टुमारो, इसमें काफ़ी सारी आर्किटेक्चरल साइट है इसलिए इसको बनाया गया है। अब वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर इनिशिएटिव जो है वो यूनेस्को का है, और 2018 में स्टार्ट किया गया है, और किसका, यूनेस्को का है और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ आर्किटेक्ट्स का है। अब वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर ये मतलब इसलिए किया गया है कि इंटरनेशनल फोरम बन जाए डिबेट्स का, और जो ग्लोबल कल्चरल इश्यूज हैं उसको, मतलब आर्किटेक्चरल प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग, ये सब चीज़ें साथ मिलके चल सके, इसलिए इसको इनिशिएट किया गया है। और यूनेस्को ऑल्सो होस्ट जो है ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ आर्किटेक्चर वर्ल्ड कांग्रेस भी यूनेस्को होस्ट करता है हर 3 साल में। अब इसके बारे में बताया गया है UIA के बारे में, यूनियन ऑफ आर्किटेक्ट्स जो है, तो ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और यूनेस्को भी है इसके साथ काम करता है, और ओनली आर्किटेक्चरल यूनियन है जो इंटरनेशनल लेवल पे ऑपरेट करती है। तो इम्पोर्टेंट हो जाती है कि सिर्फ इकलौती ही है आर्किटेक्चरल यूनियन जो इंटरनेशनल लेवल पे ऑपरेट करती है, और फाउंड किया गया था इसको 1948 में लॉजेन स्विट्ज़रलैंड में, यूनाइट करने के लिए पूरे वर्ल्ड के आर्किटेक्चर है उनको। अब माइसॉन टेम्पल कॉम्प्लेक्स, अब ये वही है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने विजिट किया था वियतनाम को, और वो गए थे माइसॉन टेम्पल कॉम्प्लेक्स में इन ख्वानगान प्रोविंस में। अब ये क्लस्टर जो है पार्शली मतलब अबेंडेंड है, बहुत ज़्यादा मतलब छोड़ दिया गया, अबेंडन कर दिया गया है। तो इसमें र्यून्ड टेम्पल हैं, हिंदू टेम्पल्स हैं वियतनाम में, जिनको कंस्ट्रक्ट किया गया था 14th सेंचुरी AD में बाय चंपा किंग जो हुआ करते थे वियतनाम के, उनके द्वारा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, काफ़ी सारे इसमें हिंदू टेम्पल्स हैं जिसमें कृष्ण विष्णु और शिव के टेम्पल्स हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बद्रेश्वरा, और काफ़ी सारे आर्किटेक्चरल डिज़ाइन इसमें हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं जो सिंप्लाइज करते हैं ग्रेटनेस प्योरिटी, यही सब इसमें बताया गया है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसमें रेस्टोरेशन का काम जो है वो कर रही है, जो 3 टेम्पल है माइसॉन के उसमें। अब ASI के एफर्ट एशिया में पूरे, उसके बारे में हमें बताया कि अंगकोर वट जो है इंडोनेशिया में उसको
हाँ, तो अंकोर वट जो है कंबोडिया में, उसके रेस्टोरेशन का काम भी कर रहा है। आनंद टेम्पल म्यांमार में, बमियन बुद्धा टेम्पल जो है, बमियन बुद्धास जो है वो अफगानिस्तान में डिस्ट्रॉय कर दिया गया था 2001 में तालिबान के द्वारा। और मतलब ये थोड़ा सा नाम ध्यान रख लीजिए कि कहाँ कहाँ ASI वर्क कर रही है। और ताफ्रोम टेम्पल कम्बोडिया में और फैट फो टेम्पल लाओस में, इन सब में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया काम कर रही है रेस्टोरेशन का। अब लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर वाला जो पार्ट है, अब इसमें देखिए शिला पतिक्राम जो है रिसेंटली न्यूज़ में थी। क्यों? क्योंकि रेयर डांस पैनल ऑफ नायक पीरियड जो है एंड एन इंस्क्राइब्ड पिलर ऑफ चोला पीरियड एक मिला हुआ है एबेंडेंट ब्रिक माउंट जो थी पठालापेट्टी तिरुची में। इसको मिला है मतलब नायक पीरियड का है और इसमें रेयर डांस पैनल है, मतलब डांस करते हुए इंस्क्रिप्शन इंस्क्राइब्ड है पिलर पे, और चोला नायक पीरियड का है और कुछ चोला पीरियड के हैं। तो डांस पैनल में डिपिक्ट किया गया है स्टोन स्लैब में चार पेयर ऑफ वेल ड्रेस्ड मेल और फीमेल डांसर जो हैं, और वो रिचुअलिस्टिक डांस परफॉर्म कर रहे हैं। अब शिला पतिक्राम में जो है वो रेफरेंस है इस तरीके के रिचुअलिस्टिक फोक रूरल डांस और जो सब हुआ करते थे उनके बारे में शिला पतिक्राम में बताया गया है। राउंड पिलर जो है वो मिले हैं यहाँ पर, और इसमें वही है कि डांस करते हुए राउंड पिलर्स मिले हुए हैं। बस इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि शिलापतिग्राम क्या है। तो शिलापतिग्राम जो है वो एक संगम पीरियड का कंपोजिशन है। संगम पीरियड था 3rd से 4th सेंचुरी AD के टाइम पर, और शिलापतिग्राम का मतलब है स्टोरी ऑफ एंकलेट, जो पैर में पहनते ना पायल, उसके बारे में इसकी स्टोरी है। लिखी है ये इलांगो एथिकल ने, ये इंपॉर्टेंट है कि किसने लिखी है ये शिलापतिग्राम। इसकी स्टोरी जो है ना भारत एक खोज जो है उसमें एक पार्ट पूरा इसी पे ही है, शिलापतिग्राम की जो स्टोरी है ना उसी पे पूरी डेडिकेटेड है, एक एपिसोड उसका, एक या दो एपिसोड। तो ये तमिल पोएट थे और एक जैन मोंग थे इलांगो अधिकल, और ये वन ऑफ द 5 ग्रेट एपिक जो तमिलनाडु की हैं उनमें से एक है। दूसरी है मणि मेकलाई, और एक सिवाका और चिंतामणि है, वल्यापति और कुंदला केसी। तो ये जो पदिक्रमा मणि मेकलाई काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और ये एपिक जो है रिवॉल्व करता है कन्नगी के अराउंड, जो मतलब उनके हस्बैंड की डेथ हो गई होती है इस वजह से, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस की वजह से। एक पंडियन डायनेस्टी के कोर्ट में क्या होता है कि मतलब उन पे चोरी का इल्ज़ाम लग जाता है, फिर ये इसकी एंकलेट की चोरी का ही इल्ज़ाम लगता है फिर, मगर वो गलत होता है। फिर उसके गुस्से में आकर के जो कन्नगी है वो पूरे मतलब उसको उनके कोर्ट को जला देती है आसपास, इस बारे में ये जो स्टोरी है। फिर इस शिलापतिग्राम जो है सारी की सारी जो तमिल किंगडम्स है चोल पांड्य और चेरा इन सब के बारे में इसमें बताया गया है, और काफ़ी ज़्यादा हमें इसमें शिलापतिग्राम से डिटेलिंग मिलती है तमिल कल्चर के बारे में। अब मैथिली लैंग्वेज जो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने डिसाइड किया है इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी प्रमोट करने के लिए मैथिली लैंग्वेज को और उसके स्क्रिप्ट को। कहाँ बोली जाती है इसको? तिरहुता भी स्क्रिप्ट बोला जाता है, और बिहार झारखंड और नेपाल वाले रीजन में इसको बोला जाता है। और ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ मिथिलाक्षर इज फाउंड इन सहोद्रा स्टोन इंस्क्रिप्शन में पाई जाती है 950 में, और पहला जो राइटिंग इसमें की गई थी लिटरेरी फॉर्म में मैथिली लैंग्वेज को वो की थी विद्यापति ठाकुर ने। और इसमें पोएटिक वर्क्स थे, सॉन्ग मतलब गॉड शिव को डिवोट करते हुए सॉन्ग्स लिखे गए थे। 14th सेंचुरी में ज्योतिश्वर ठाकुर ने और इसमें मतलब एनरिच किया था इसकी लिटरेचर को। और बाकी मतलब धुर्त समागम ये वेरी पॉपुलर है मैथिली में। 20th सेंचुरी में बाबा नागार्जुन रामानंद रेणु इन्होंने भी मतलब प्रोज राइटिंग इसमें की थी, और फर्स्ट मैथिली ऑर्गेनाइजेशन मैथिली महासभा आई थी, केम इन टू बींग फॉर डेवलपमेंट ऑफ मैथिली। और मतलब वही है कि इम्पॉर्टेंट इसमें यही चीज़ है कि मैथिली को डेवलप करने के लिए ह्यूमन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने काम करना स्टार्ट कर दिया है। और इसमें 8th शेड्यूल की ये लैंग्वेज जो है वो अकॉर्ड की गई है 8th शेड्यूल में 2004 में 92nd अमेंडमेंट से। ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है कि 8th शेड्यूल की लैंग्वेज है, और 92nd अमेंडमेंट एक्ट से इसको 2004 में डाला गया था 8th शेड्यूल लैंग्वेज में। तो ये सारी की सारी 8th शेड्यूल की हमारी लैंग्वेजेस हैं, इनको याद रखना चाहिए। वैसे CDS में क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि मतलब चार ऑप्शन थे कौन सी लैंग्वेज जो है वो 8th शेड्यूल की नहीं है, वैसे वो ईजी था क्योंकि उसमें इंग्लिश दिया हुआ था, तो इंग्लिश 8th शेड्यूल की हमारी लैंग्वेज नहीं है, हिंदी है, और उसमें हमारी हिंदी तो है ही, और जो हमें लगता है जैसे कि नेपाली नहीं होगी बट नेपाली है, और हाँ तो मतलब मैथिली भी है, आप याद रखिएगा, न्यूज़ में था। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा,
तो इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इनॉग्रेट किया है सेनेटरी, मतलब 100 साल हो गए दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा को एस्टैब्लिश किया गया था इसको 1918 में महात्मा गांधी ने, और उनका एक एम था हिंदी को प्रपोगेट करना सदर्न स्टेट में भी, हिंदी प्रचार को, मतलब एक फ्री इंडिया में एक ऐसी लैंग्वेज वो चाहते थे गांधी जी की जो सारे के सारे लोग बोलें। तो हिंदी काफ़ी वाइड स्प्रेड लैंग्वेज थी, तो वो चाहते थे कि नेशनल इंटीग्रेशन हो, लोग यूनिफाई हो एक लैंग्वेज बोल करके, इसलिए हिंदी को फ्लरिश हो उन्होंने ऐसी सभा बनाई थी, हिंदी प्रचारिणी सभा। फिर 1946 में इंस्टीट्यूशन को रिकॉग्नाइज किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एज वन ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। रिलेटेड न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये जो बीएड का एग्ज़ाम हुआ था यूपी का, इसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि अबू धाबी जो है रिसेंटली इंक्लूड, अबू धाबी ने रिसेंटली इंक्लूड किया है हिंदी को एज अ थर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज अपनी कोर्ट में। तो पहले उनकी अपनी जो है अरेबिक और इंग्लिश है, और हिंदी को भी बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए एक अरेबियन नेशन है, अबू धाबी ने हिंदी को थर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज अपनी बनाया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। अरेबिक और इंग्लिश उनकी दो थी, और इंग्लिश हिंदी को भी उन्होंने अपने में इंक्लूड कर लिया है ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह। तो यूएई के अलावा फिजी भी ऐसा देश है जिसमें हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब ये वाला जो है इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।